ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे चंदौली की, जहां जनपद में बढ़ते तापमान को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। आगे बात होगी जालना की, जहां जली फसलों को ट्रैक्टर में रखकर किसान संघर्ष समिति ने कलेक्टर कार्यालय पर बोला धावा। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां निजी अस्पताल में रंगदारी मांगने आए पिता पुत्र हुए गिरफ्तार, कारतूस और कट्टा भी बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां कड़ाके की धूप तथा बढ़ते तापमान के बढ़ जाने से आम जनता में गर्मी बढ़ने से परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं बढ़ते तापमान से बिजली के पावर हाउस पर लगे मशीनों व ट्रांसफार्मर भी हीट होते जा रहे हैं, जिसको लेकर बिजली विभाग अलर्ट है तथा आम जनता की सुविधाओं तथा सुचारू रूप से चालू रखने को लेकर बिजली विभाग के जेई ने कमान संभाल ली है। बिजली विभाग के जेई के द्वारा जहां लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं पावर हाउस पर लगे विद्युत मशीनें तथा ट्रांसफार्मर का तापमान कंट्रोल करने के लिए जहां बड़े बड़े कूलर लगाकर लगातार तापमान नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बिजली सुचारू रूप से आमजनों को उपलब्ध हो सके तथा बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार बिजली को सुचारू रूप से चालू रखने को लेकर लगातार क्षेत्र में निरीक्षण व दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में जेई बिजली विभाग चकिया मनोज विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा, जेई चकिया, रूरल और तहसील। अच्छा, ये डिवीजन आपका जो ये ट्रांसफार्मर पे है, ये तो बहुत हीटिंग हो जाती होगी तापमान को देखते हुए, सूर्य के तापमान को देखते हुए हीटिंग हो रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है, आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं इसमें ठंडा करने के लिए? यार हम लोग विद्युत कर्मचारियों को साथ लेकर तपती धूप में लगातार प्रयास कर रहे हैं और बड़े बड़े कूलर लगाए जा रहे हैं और फराठा भी लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर का तापमान कंट्रोल रहे, जिससे जनता को लगातार राहत मिल सके जी। इसलिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे, कहीं से भी नगर में कोई फॉल्ट ना आए जी, जी कहीं से कोई शिकायत ना आए, जिसमें एसडीओ साहब और मैं दिन रात एक करके फॉल्ट को कंप्लेन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग कार्यरत हैं, मतलब कि इसमें कूल करने के लिए ट्रांसफार्मर को आप पूरा अपने तरफ से प्रयासरत हैं? हाँ, प्रयासरत। चलिए, धन्यवाद सर आपको। चकिया चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुब श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां शेतकारी संघर्ष समिति ने जालना जिले में पानी की कमी के कारण जले हुए फलों के बगीचों को ट्रैक्टर में लादकर कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला। वर्तमान सूखे की स्थिति के कारण जालना जिले में पानी का बड़ा संकट है, नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इस बीच पानी के अभाव में किसानों के बगीचे सूख कर जल गए हैं। जले हुए बगीचों को लेकर शेतकारी संघर्ष समिति ने आज आक्रामक तरीके से कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस समय शेतकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने निवासी डिप्टी कलेक्टर सोहम वायल को अपनी मांगों का एक बयान दिया है। किसानों की मांग है कि हमें अगले 7 दिनों के अंदर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिले। नाराज किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन 8 जून तक हमारी मांगें पूरी नहीं करता है तो हम हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रकरण है, ये पर्णिका हॉस्पिटल ब्रँड अँड ॲक्सिडेंट हॉस्पिटल झालं आत्ता इथं, तर हे आता त्याने काय करायला लागलं, ते काय करायला लागलं, त्यांचं जे घाणकचरा आहे, इंजेक्शन आहे, हे नियमानुसार त्यांना त्यांची विल्हेवाट लावावं लागती, पण ते काय करायला लागले, इथं सार्वजनिक जागेवर आणून टाकतात। आणि आम्ही जर इथले रहिवासी जर बोलायला गेलो तर ते डॉक्टर साहेब आम्हाला दादागिरीची भाषा वापरतात, गुंड लावून देऊन मारण्याची भाषा वापरतात आणि हे करतात आणि बळजबरी इथं आणून टाकतात। काय टाकलेलं आहे इकडं? इंजेक्शन आहे, बाटल्या आहे, त्या छोट्या मोठ्या इंजेक्शन आहे, आता कशाची रक्त काढलेलं इंजेक्शन असू शकते, काही असू शकते, आमच्या लेकरा बाळाच्या पायात टोचू शकते, त्याच्यापासून आजार होऊ शकतो, काही होऊ शकतं, एवढा मोठा डॉक्टर असून त्याला त्याची जबाबदारी कळत नाही आहे। आणि आम्ही सांगायला गेलो तर ते आम्हाला दादागिरीची भाषा वापरतो। तुम्ही पुन्हा आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला? आरोग्य विभागाशी तर नाही साधला, पण मी नगरपालिकेशी संपर्क साधला, नगरपालिकेला तक्रार देऊन आलो मी आत्ता, तर त्यांनी सांगितलं त्यांचे लोक पण येऊन गेले, पण त्यानं काय केलं, तोडी पाणी करून चालले गेले का काय केलं ते नाही, मला अजून काही माहीत नाही, पण त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही, गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही। माझं नाव आहे प्रताप हसनराव लहाने, सामाजिक कार्यकर्ता जालना। दादा मला काय सांगणार, आज तुम्ही काय आंदोलन केलेलं आहे आणि तुम्ही ट्रॅक्टरमध्ये काय आणलं होतं? सर मुळामध्ये आमचं आंदोलनच नव्हतं हे, तर संबंध जालना जिल्ह्यामध्ये पाण्याअभावी जे आमच्या फळबागा जळालेल्या आहेत, तर ह्या फळबागा जळताना या आमच्या म्हणजे आश्रू बाहेर म्हणजे डोळ्यातून आश्रू बाहेर निघालेत,
आणि ते आश्रू ह्या प्रशासनाला अद्याप दिसले नाहीत. कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी आमच्या बांधावरती ती फळबागा जळत असताना पाहणी करायला आलेले नाही. कुठला राजकीय मंडळी देखील आमच्या समस्या मांडत नाहीत. मग आम्ही असं ठरवलं की आपले अर्ज घेऊन आणि फळबागा घेऊन, जळालेला फळबागा घेऊन आपणच प्रत्यक्ष संविधानिक मार्गाने जिल्हाधिकारी साहेबाला ह्या कळवू. आणि जिल्हाधिकारी साहेबाला हे याच्यासाठी कळवायची की बाबा ही जी नुकसान आहे आमची झालेली ही अद्याप कोणी आमच्याकडे फिरकलेलं नाही, परंतु 2 लाख रुपये प्रति हेक्टरी आमची नुकसान भरपाई पुढील 7 दिवसांमध्ये आम्हाला पंचनामे करून मिळावी. अन्यथा पुढील 7 जूनला आम्ही मोठ्या हजारोच्या संख्येने शेतकरी आपल्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहोत. जिल्हाधिकारी साहेब काय म्हटले? जिल्हाधिकारी साहेबांनी कृषी विभागाचा आढावा घेतला आणि कृषी विभागाने देखील त्यांना सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली की आम्ही आजची आजच आमचा जो काय डेटा आहे, जो म्हणलं 100% जळाल्यात, तर तो 100% डेटा आम्ही प्रशासनाला कळवू. काय नाव तुमचं? माझं नाव गजानन रामनाथ उगले, मुक्काम राजेगाव, तालुका घनसावंगी. महाराष्ट्र जालना से सीनियर संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट. मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा ओवरब्रिज के समीप संचालित एक निजी नर्सिंग होम के परिसर में हंगामा करते हुए धमकी दे रहे 2 लोगों को पुलिस ने 1 देशी कट्टा एवं 3 कारतूस तथा 1 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार दोनों पोखरा निवासी भूपेंद्र सिंह एवं उसका पुत्र बताया जाता है. मामले में पुंजेश कुमार ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया, रात्रि 11:30 बजे के करीब सभी लोग हॉस्पिटल पर बैठे थे, तभी भूपेंद्र कुमार अपनी मोटरसाइकिल से आया और गाली गलौज करते हुए मारपीट एवं हंगामा करने लगा. अपने हाथ में देशी कट्टा लिए जोर जोर से बोल रहा था कि खाली पैसा कमाएगा, रंगदारी नहीं देगा, जिसके बाद कोटवा थाने को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पॉकेट से पुलिस ने 3 कारतूस और 1 खोखा बरामद किया है. वहीं उनका पुत्र पुलिस को देखकर देशी कट्टा लेकर भाग गया, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और उसके पास से देशी कांटा बरामद किया है. मामले को लेकर थाने पहुंच सदर SD DSP जितेश कुमार पांडे ने दोनों से पूछताछ की. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. छापेमारी में थानाध्यक्ष राजरूप राय पुनी, अनीश कुमार सिंह, अंकित कुमार, ज्योति कुमारी आदि शामिल थे. आइए जानते हैं इस विषय में DSP सदर 2 जितेश पांडे का क्या कुछ कहना है. बताया जाए गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के नेतृत्व में लगातार सघन गश्ती चलाई जा रही है. इसी क्रम में दिनांक 28/5/24 को रात्रि 11:45 को कोटवा थाना प्रभारी को सूचना मिला कि कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ अस्पताल में एक व्यक्ति देसी कट्टा लिए हुए गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दे रहा है. इस सूचना पर कोटवा थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गश्ती दल को भेजा गया और उस गश्ती दल वहां पर पहुंचकर भूपेंद्र कुमार नाम व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे तलाशी और जब उसकी तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में भूपेंद्र कुमार के पॉकेट से 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया. फिर पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भाग रहा था, उसे जब पकड़ा गया तो उस व्यक्ति से 1 देसी कट्टा बरामद किया गया. इसी को लेकर कोटवा थाना में कांड दर्ज किया गया 156/24 और अनुसंधान किया जा रहा है. सर आपराधिक इतिहास भी है उनका कोई? अभी अनुसंधान किया जा रहा है, अनुसंधान के क्रम में आएगा. मोतिहारी से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट. जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के घटवा चौराहे के समीप किराए के मकान में गारमेंट शॉप के मालिक का दुकान के अंदर मृत शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. मृतक कौशाम्बी जिले का रहने वाला था. श्रीगी ऋषि इंटर कॉलेज के सामने रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलकर यहीं रहता था. जानकारी परिजनों को दी गई. काफी देर इंतजार करने के बाद भी परिवार के लोग नहीं आए तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जनपद प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट. खबर सिकंदराबाद से, जहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर नल योजना. हर घर नल योजना का हाल बुलंदशहर में स्थित गाँव भटोना में बेहाल है. आलम यह है कि पानी आने का कोई समय नहीं है. वही बताते चले कि गांव में कुछ जगह पानी की पाइपलाइन भी नहीं है. कुछ स्थानों पर तो पाइप है पर उनके टंकी नहीं और ना ही पानी के पाइप को चेक करते हैं और ना ही पानी को कोई चेक करता है. जब कभी पानी आता है तो पाइप पर टंकी ना होने की वजह से पानी वेस्ट हो जाता है, जिसके चलते हर घर नल योजना का हाल यहाँ पर राम भरोसे है. सिकंदराबाद से सीनियर संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट.
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।